अच्छा तो आज हम जा रहे हैं, ये तीसरा दिन है जॉब ढूंढने का पैदल ही, यानी अच्छी तरीके से। मैं वैसे टाइम टू टाइम देखता रहता हूँ, लेकिन एक होता है कि प्रॉपर तरीके से इंसान निकले तैयार होके और बहुत टाइम गुजारे जॉब ढूंढने में, एज़ कम्पेयर टू कि आप एक घंटा गुजारो दो घंटे तभी निकला हूँ। तकरीबन 4-5 घंटे गुजारूँगा जॉब ढूंढने के। तो यानी पहले दिन भी मैं बहुत घुमा था, तो फर्स्ट डे जो मैं वीडियो डाली थी, फिर सेकंड जॉब की वीडियो, अब ये सीरीज़ में तीसरी रहेगी, पता चलेगा। अभी लंदन के सेंट्रल में देखूंगा जॉब, क्योंकि हैकनी के सेंट्रल में मैं देख चुका हूँ। वैसे मिडलबर्ग में गया हूँ ना, वहाँ पे सीन ईजी है, वहाँ पर जल्दी मिल जाती है, मुझे भी मिल गई थी जॉब, लेकिन ड्यू टू मेरी जो यूनिवर्सिटी है उनका टाइम टेबल ऑन कैंपस हो गया, तो मेरा पहले ऑनलाइन था अभी ऑन कैंपस हो गया, तो उस वजह से मुझे दोबारा लंदन आना पड़ा। वहाँ पे मुझे जॉब भी मिल गई थी, वहाँ पे जल्दी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू लंदन, या फिर वहाँ पे मेरी लक चली पता नहीं, और यहाँ पर नहीं चल रही, आई डोंट नो। अच्छा तो अभी मैं जा रहा हूँ इधर उधर ढूंढ रहा हूँ जॉब को, तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ खास बंदा नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि हाँ है अवेलेबिलिटी, चलो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक है, यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट वगैरह ज़्यादा हैं और रश भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी है। वैसे अगर बात की जाए, मैं घूमता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जॉब भी ढूंढता हूँ साथ साथ, लेकिन एक होता है कि प्रॉपर तरीके से इंसान निकले और पूरा ही दिन लगाए जॉब ढूंढने में, कोई और काम ना करे, बस सिर्फ जॉब ढूंढते रहे पूरा दिन। ये तीसरी बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, और ऑनलाइन तो मैं डेली बेसिस पे करता रहता हूँ, तो चलो देखते हैं क्या हालात हैं। वैसे बाकी जगहों पे तो मैंने जॉब देखी है, वहाँ पर नहीं मिली, तो अभी मैं हैकनी सेंट्रल, यानी हैकनी के सेंट्रल देखी थी, लंदन सेंट्रल आया हूँ, वहाँ पर देखेंगे। चलो देखते हैं कि लंदन सेंट्रल में क्या हालात हैं। वैसे हैकनी सेंट्रल में तो मुश्किल है, वहाँ पर मैं एक हफ़्ता दोबारा चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि बार बार जाना सही नहीं है, और उन लोगों ने भी बोला कि एक हफ़्ता बाद आ जाओ, फिर देखते हैं कि अवेलेबिलिटी हो। नंबर भी दे दिया मैंने बहुत लोगों को, यहाँ पर भी देखेंगे लंदन सेंट्रल में, और यहाँ पर भी लोगों से मिलेंगे, और 3 दिन बाद दोबारा फिर से चक्कर लगाएंगे। वैसे यहाँ पर कुछ जगहों पे जॉब की पोस्टें लगी हैं, तो मैंने उनको अप्रोच किया, उन लोगों ने कहा कि ऑनलाइन आप अप्लाई करें, तो उनको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एक्चुअली, घर जाके करेंगे, तो ये सब कुछ, और फिर देखेंगे कैसे क्या सीन बनता है। और एक गलती मैंने की आज कि मैं हफ्ते के दिन आ गया हूँ, तो रश बहुत ज़्यादा सेंट्रल में बहुत ज़्यादा रश है, तो कुछ जगहों पर हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है कुछ रेस्टोरेंट पे, तो वो डायरेक्टली कह देते कि नहीं अभी हम आपको नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो 2-3 दिन बाद आएंगे, लेकिन मंडे को या फिर किसी और दिन, और देखेंगे, उनको बताएंगे जॉब के बारे में कि जॉब अवेलेबल है कि नहीं। वैसे अभी तक मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला यहाँ पर, बहुत से लोगों ने अपने ईमेल एड्रेस दिए और फ़ोन नंबर दिए कि इन पर CV भेजें हमें, और फिर देखते हैं, और हम आपको कॉल करेंगे जब अवेलेबिलिटी होगी हमारे पास। तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है काफ़ी जगहों पे, और देखते हैं कि क्या सीन बनता है। और अभी तक तो रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, कुछ जगहों पे अवेलेबिलिटी नहीं है, वो कह रहा है कि अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा कुछ टाइम बाद, फिर देखते हैं कि अवेलेबिलिटी होती है कि नहीं। और इस दौरान मैंने एक छोटी सी शॉपिंग भी की प्राइमार्क में, और वहाँ पर मैंने पूछा भी कि सिक्योरिटी वगैरह गार्ड से कि आप लोगों ने किस एजेंसी के थ्रू आपको जॉब मिली है यहाँ पर, और उनसे बातें शादी की, तो रिक्रूटमेंट की कुछ एजेंसीज भी हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, और जो उन लोगों ने मुझे एड्रेस दिया है, और उन लोगों ने मुझे उनका ईमेल एड्रेस भी दे दिया, मैं मेंशन कर दूँगा, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं अप्लाई, मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या सीन आता है। ऐसे लंदन सेंट्रल में मिल जाए ना, तो क्योंकि मैं लंदन सेंट्रल के साथ ही रहता हूँ हैकनी में, तो बहुत इजी सीन हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीन हो जाएगा।
वैसे एक खुशी की बात बता दूं, मैं अपना एक रेस्टोरेंट भी पार्टनरशिप में किसी और के साथ खोलूँगा, अपने नाम पे नहीं होगा तो, लेकिन किसी और के नाम पे होगा, लेकिन पार्टनरशिप में होगा, दो मेरे दोस्त हैं उनके साथ, तो आप लोग भी उससे ऑर्डर कर सकते हैं, तो वर्चुअल रेस्टोरेंट होगा और की लोकेशन वगैरह मैं अपने इंस्टा पर डाल दूँगा और यूट्यूब पर भी डाल दूँगा मैं उसकी पिक्चर्स वगैरह, पोस्ट वगैरह और लोकेशन और फ़ोन नंबर, अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो। फ्री डिलीवरी है हैकनी में, लंदन सेंट्रल में, स्ट्रैटफोर्ड में और डेल्स्टन में, तो आप लोग कर सकते हैं उससे भी। और उसकी जो ओपनिंग होगी वो 15 अक्टूबर को होगी इंशाल्लाह, अगर टाइम सही रहा तो। अभी तो मेरे नाम पे नहीं है लेकिन जल्दी अपने नाम पर भी एक ओपन कर लेंगे पीएसडब्ल्यू के।